गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस थ्योरम इफ एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस देन एक्स इज कंप्लीट। अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस है तो एक्स क्या होगा, हमारा कंप्लीट होगा। देखो, लेट एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड से डायमेंशन ऑफ एक्स इज एन, लेट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन बी अ बेसिस फॉर एक्स, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देर एक्सिस्ट अ यूनिक स्केलर अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन सच दैट एक्स कैन बी रिटन एज अल्फा वन ए वन अल्फा टू ए टू अप टू सो ऑन अल्फा एन एक्स एन। जीरोथ नॉर्म डिफाइन की, नॉर्म एक्स विद जीरो इज इक्वल टू नॉर्म एक्स की हमने वैल्यू रखी विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड अल्फा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ नॉर्म ऑन एक्स एंड दिस इज कॉल्ड द जीरोथ नॉर्म। लेट अस प्रूव एक्स इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू जीरोथ नॉर्म। तो हमने क्या ले ली, एक कोशी सीक्वेंस ले ली एक्स में जीरोथ नॉर्म के रिस्पेक्ट में, देन डेफिनेशन अप्लाई की नॉर्म वाई एल माइनस वाई एम विद रिस्पेक्ट टू जीरोथ नॉर्म टेंड्स टू जीरो एज एल एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ कंसिडर द आईएथ टर्म हमने कंसिडर की, अभी जो हम ऊपर भी कर चुके हैं बिल्कुल सेम चल रहा है। तो वहां से क्या आ गया, नॉर्म वाई एल की वैल्यू माइनस वाई एम की वैल्यू टेंड्स टू जीरो एज एम एल टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर इसमें हमने अल्फा जे एल और अल्फा जे एम को कंबाइन किया है और नॉर्म की डेफिनेशन हम यहाँ यूज करेंगे। मीन्स नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स है ना विच टेंड्स टू जीरो एज एम एल टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब मैक्सिमम पॉजिटिव सारे पॉजिटिव और उनकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, इसका मतलब सारे ही ये हमारे जीरो को टेंड कर रहे हैं। सो फॉर ईच फिक्स्ड जे दिस सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स एंड हेंस कन्वर्जेंट। अब कोशी सीक्वेंस है स्केलर्स की, स्केलर्स मीन्स आर और सी, और ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर कंप्लीट। तो मीन्स हर कोशिश सीक्वेंस क्या करेगी, हमारी कन्वर्ज करेगी। एंड लेट दिस कन्वर्जेस टू अल्फा जे, लेट वाई जो हमने एलिमेंट लिया अल्फा वन इवन अप टू सो ऑन अल्फा एन इवन एन, देन वी गेट नॉर्म वाई एल माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म जीरो टेंड्स टू जीरो एज एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मीन्स दिस जो सीक्वेंस है दिस इज कन्वर्जेंट विद रिस्पेक्ट टू जीरो एथ नॉर्म। दिस इंप्लाइज एक्स इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू जीरो एथ नॉर्म। एंड वी नो फॉर फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म लीनियर स्पेस ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, तो एक्स जो है वो कंप्लीट हो गया किसी भी आर्बिट्री नॉर्म के रिस्पेक्ट में। मीन्स जो ये थ्योरम है वो जस्ट उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही है जो हमने उसमें किया था, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। रिजल्ट हमने यहाँ उसका रिजल्ट यूज कर लिया कि ये रिजल्ट हमने दिखाया तो जीरोथ नॉर्म के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर हमारा स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है तो सारी नॉर्म्स जो है वो उस पे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इफ एक्स इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड वाई इज अ फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ एक्स देन वाई इज क्लोज्ड। तो अबव थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया, वाई कंप्लीट है तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड देयर इक्विवेलेंस इन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। डेफिनेशन है अ सीक्वेंस एक्स एन फ्रॉम अ नॉर्म लीनियर स्पेस एन इज सेट टू बी वीकली कन्वर्जेंट टू एक्स बिलोंगिंग टू एन रिटन एज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली। वीकली के लिए डब्ल्यू हमने ऊपर लिखा है कन्वर्जेंस के साइन के ऊपर। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एन स्टार एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, कि कोई भी जो सीक्वेंस है एक्स एन नॉर्म लीनियर स्पेस एन में उसको हम क्या कहेंगे, वीकली कन्वर्ज कर रही है एक्स को। कब वीकली कन्वर्ज करेगी, इफ फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एन स्टार सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज कर जाए, एफ ऑफ एक्स को। और जो सीक्वेंस है सीक्वेंस एक्स एन फ्रॉम नॉर्म लीनियर स्पेस एन इज सेट टू बी स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट टू एक्स बिलोंगिंग टू एन इफ, कब स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट कहेंगे, इफ नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंस इन नॉर्म, जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है नॉर्म में उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंस बोलते हैं। एंड क्लियरली यूजुअल कन्वर्जेंस जो हम पढ़ते हैं मीन्स अगर हम कहें सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करिए नॉर्म लीनियर स्पेस में तो यही हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंस है। और अगर हम वीकली कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं तो हम सीक्वेंस एक्स एन एक्स को वीकली कन्वर्ज कब करेगी, इफ फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एन स्टार एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। रिमार्क है वीक लिमिट इज यूनिक, जो हम स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस वीक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस या जो सिंपली हमारी यूजुअल कन्वर्जेंस ही है तो उसमें कहते हैं ना जो लिमिट आएगी वो यूनिक आएगी, ऐसे ही जो वीक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी भी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एन सच दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली एंड सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू वाई वीकली। मीन्स हम रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो वीकली कन्वर्ज कर रही है और एक्स और वाई को कन्वर्ज कर रही है। देन बाय डेफिनेशन, अब वीक कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, इफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली देन फॉर एफ बिलोंगिंग टू एन स्टार सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स।
अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ वीक कन्वर्जेंस इफ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू y वीकली देन फॉर f बिलोंगिंग टू n स्टार सीक्वेंस f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ y. अब बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्जेंस लिमिट इज ऑलवेज यूनिक इन ऑर्डिनरी कन्वर्जेंस. तो जो सीक्वेंस f ऑफ xn है हम कह रहे हैं वो f ऑफ x को भी कन्वर्ज कर रही है, f ऑफ y को भी कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. तो लिमिट क्या होनी चाहिए उसकी? यूनिक. तो इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, मीन्स f ऑफ x माइनस f ऑफ y क्या हो गया? जीरो. f ऑफ x माइनस y क्या हो गया आपका? जीरो. और अगर f ऑफ x माइनस y जीरो है तो यहां से x माइनस y भी क्या हो गया? जीरो, मीन्स x इज इक्वल टू y. इसका मतलब वीक कन्वर्जेंस की में जो लिमिट आएगी वो लिमिट क्या होगी हमारी? यूनिक होगी. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज वीक कन्वर्जेंस. कि अगर कोई कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है तो वो वीक कन्वर्जेंस भी होगी. क्या कह रहे हैं हम? लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n कन्वर्जिंग स्ट्रॉन्गली टू x. सीक्वेंस xn जो n के पॉइंट्स की सीक्वेंस है वो x को स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज कर रही है. स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंस का मतलब नो xn माइनस x टेंड्स टू जीरो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. नाउ लेट f बिलोंग्स टू n स्टार द नॉम x f ऑफ xn माइनस f ऑफ x मोड f ऑफ xn माइनस f ऑफ x हमने कंसिडर किया. नाउ दिस इज इक्वल टू मोड f ऑफ क्या लिख सकते हैं हम? xn माइनस x. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉम f norm xn minus x and this tends to 0 as n tending to infinity because sequence xn converges to x. So norm xn minus x tends to 0. तो ये पूरा ही 0 को टेंड कर गया. तो इसका मतलब मोड f of xn minus f of x भी 0 को टेंड कर गया as n tending to infinity. Means we can say sequence f of xn converges to f of x for all f belongs to n star. Means sequence xn converges to x weakly. तो ये convergence हमारी कैसी हो गई? Weak convergence हो गई. ठीक है, अब इसका कन्वर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.